संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। जहां एक तरफ जेएनयू हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं गांधी परिवार की सुरक्षा का मुद्दा भी कांग्रेस ने सदन में जोर शोर से उठाया। तो आज किस किस मामले ने सदन का पारा चढ़ाया, आइए देखते हैं। सोमवार से शुरू हुए 2019 के आखिरी संसद सत्र में मोदी सरकार कई अहम विधेयकों को पास करवाने की कोशिश में है। इस सत्र में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, गर्भकाल चिकित्सा समापन विधेयक समेत 27 बिल संसद में पेश किए जाने हैं। लेकिन आज सदन के दो दिन गुजर गए हैं और संसद में सिर्फ हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, तो वहीं आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा का मुद्दा लोकसभा में छाया रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की सुरक्षा क्यों वापस ली, इस पर जवाब देना चाहिए। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने वाजपेयी सरकार का हवाला भी दिया। वहीं बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने शून्यकाल में छात्रों की फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा कराने से इनकार कर दिया क्योंकि वो विषय सूचीबद्ध नहीं था। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के लोग लगातार वेल में नारेबाजी करते रहे और इन दो मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के बुलढाणा से शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव ने ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस में लोगों का खाता खुलवाने और योजनाओं का पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्रामीणों को बहुत दिक्कत आती है और बैंकों की व्यस्तता भी बढ़ती है, अगर ऐसा होता है तो पोस्ट ऑफिस की स्थिति भी सुधरेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने गन्ना किसानों की बात उठाई। रवि किशन ने कहा कि जो लोग आज यहां विरोध कर रहे हैं वो बाहर किसान हित की बात करते हैं, जबकि असल में इन लोगों ने ही किसानों की चिंता बढ़ाई है। विपक्ष के विरोध पर लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि पहले परंपरा रही होगी वेल में आकर आसन से बात करने की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर शब्दवार छोड़ते हुए कहा कि जब सदन में किसान से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हो रही है उस वक्त विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि वे विपक्ष की नारेबाजी बंद करवाएं ताकि हर कोई चर्चा में शामिल हो सके, लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में विपक्ष नारेबाजी करता रहा और आज दूसरे दिन भी सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। डीबी लाइव की रिपोर्ट।